आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि महालक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है, इससे हमें क्या फल प्राप्त होता है। पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप देख रहे हैं वासुदेव दर्शन। मैं राजकोट आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे। दीपावली के दो दिन पूर्व एक सेठ जी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करने के बाद सेठ जी ने विनम्रता से पूछा, महाराज श्री, इस बार हम कोलकाता की जगह काशी में दीपावली पर्व मनाएंगे। लक्ष्मी जी के पूजन का शास्त्रीय विधान बताने की कृपा करें। स्वामी जी ने पुराणों में वर्णित लक्ष्मी पूजन के विधान से अवगत करवाया। इसके बाद उन्होंने कहा, आप विधिवत लक्ष्मी जी का पूजा अर्चना करें, किंतु अर्थवेद के इस सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति धन संपत्ति के बावजूद उसका वचितों, गरीबों, बीमारों की सेवा सहायता में उपयोग नहीं करता, उससे लक्ष्मी रूठ जाती है। लक्ष्मी के उपासक को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि गलत और अनैतिक साधनों से प्राप्त धन तमाम अर्जित पुण्य को छीन कर पतन का कारण बनता है। स्वामी जी के मुख से यह व्यापक सुनकर सेठ जी ने संकल्प लिया कि वे धनार्जन के साधनों की पवित्रता और धन के सदुपयोग का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।